नमस्कार, मैं प्रभुराम लखाने बालेसर। आज अपन पढ़ते हैं वायुदाब पेटियां। विश्व की प्रमुख वायुदाब पेटियों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ते हैं अपन वायुदाब कहते किसे हैं। हमारी पृथ्वी के ऊपर जो वायुमंडल है, वायुमंडल की जो मोटी परत है, इस वायुमंडल की परत का पृथ्वी के ऊपर थोड़ा दबाव लगता है। तो ये जो दबाव लगता है, ये दबाव ही वायुदाब कहा जाता है। हमारी पृथ्वी पर हमारी जो ये धरातल है, पृथ्वी का जो धरातल है, उसमें एक जैसा वायुदाब नहीं लगता है। सब जगह अलग अलग है, भिन्न भिन्न है। भिन्न भिन्न क्यों है? भिन्न भिन्नता का कारण है कि हमारी पृथ्वी पर तापमान अलग अलग। क्वेश्चन आ जाए कि हमारे पृथ्वी पर, हमारे धरातल पर वायुदाब भिन्न भिन्न क्यों है? क्योंकि हमारी पृथ्वी पर तापमान भी भिन्न भिन्न है। तापमान के कारण वायुदाब भिन्न भिन्न होता है। तो ये जो हमारे पृथ्वी पर जो वायुमंडल है, इस वायुमंडल का दाब लगता है, दबाव लगता है पृथ्वी पर, और दबाव ही वायुदाब कहा जाता है। वायुदाब की खोज सबसे पहले किसने की? एक ग्यूरिक नाम के भूगोलवेत्ता थे, ग्यूरिक। 1651 में उन्होंने खोज की कि वायुदाब यानी पृथ्वी के ऊपर दबाव लगता है, और इसका जो मापक है वो मापक है मिलीबार। वायुदाब को कैसे मापते हैं? मिलीबार के द्वारा, एमबी के द्वारा। फिर एक पास्कल का नाम भी मैंने यहां पर लिखा है, एक पास्कल नाम के भूगोलवेत्ता था। उन्होंने ये कहा कि भाई जो जो हम धरातल से ऊपर की तरफ जाते हैं, क्योंकि वायुदाब घटता जाता है। जो जो हमारे धरातल पर सघन वायुमंडल पाया जाता है, और जो जो हम आकाश की तरफ ऊपर की तरफ जाएंगे, क्योंकि वायुमंडल विरल होता जाएगा। जैसे हमारे धरातल पर है वो वायुदाब अधिक रहेगा, लेकिन यदि पहाड़ों के ऊपर अपन जाएंगे तो वायुदाब कम होगा। और इसी का कारण है, यही कारण है कि पहाड़ों पर ऑक्सीजन की कमी पाई जाती है। हमारे जो पर्वतारोही है वो पहाड़ों पे चढ़ते हैं तो कई बार ऑक्सीजन का सिलेंडर वगैरह पीछे बांध करके चलते हैं पर्वतारोही। क्यों? क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन की कमी है। तो हमारी जो पृथ्वी है वे हर चीज को नीचे खींचती है, यानी गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वायुदाब लगता है। पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल है, इसके कारण वायुदाब। तो वायुदाब जो जो ऊपर जाएगी त्यों त्यों वायु विरल और नीचे की तरफ में सघन पाई जाती है। हमारे धरातल पर ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा रहती है, अधिक रहती है, और जो जो ऊपर जाएंगे त्यों त्यों कम रहती है। इसीलिए पहाड़ों पर ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। हम पहाड़ों पर कहीं भी चढ़ते हैं तो हम जल्दी जल्दी श्वास फूलने लगते हैं, हमारा श्वास जल्दी जल्दी चलता है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन की पूर्ति नहीं होती है। ऊपर की तरफ में ऑक्सीजन कम है और नीचे की तरफ में ऑक्सीजन ज्यादा है। यानी पृथ्वी के ऊपर जो वायुमंडल है, वायुमंडल का जो दबाव लगता है वही है वायुदाब। तो इस पूरे हमारी पृथ्वी जो ग्लोब है, उस ग्लोब में वायुदाब की अपने पेटियां हैं, उसको अपन ने चार भागों में बांटा है पूरे विश्व में। फर्स्ट विश्व त्रेकी निम्न वायुदाब, पहली पेटी। दूसरी पेटी है उपोष्ण उच्च वायुदाब। तीसरी है उपधुरीय निम्न वायुदाब, और चौथी है धुरी वायुदाब। उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, दोनों गोलार्धों में नाम सेम है। इस प्रकार पूरे विश्व को अपने चार भागों में बांटा है कि वायुदाब की चार पेटियां। पहली पेटी देखो अपन पढ़ते हैं, ये जो है विषुवतरेखीय निम्न वायुदाब। विषुवतरेखीय निम्न वायुदाब कहां पाई जाती है? देखो विषुवतरेखा यानी जहां पे जीरो डिग्री अक्षांश है, जीरो डिग्री अक्षांश के 5 डिग्री उत्तरी और 5 डिग्री दक्षिण, यानी दोनों गोलार्ध के 5 डिग्री, उत्तरी गोलार्ध में भी 5 डिग्री और दक्षिणी गोलार्ध में 5 डिग्री, यानी दोनों गोलार्ध के 5 डिग्री के बीच ये जो है विषुवतरेखीय निम्न वायुदाब पाया जाता है। अब यहाँ पे देखो बिल्कुल निम्न वायुदाब, नाम भी ये देखो निम्न वायुदाब, यहाँ निम्न वायुदाब रहता है। निम्न वायुदाब क्यों रहता है? क्योंकि तापमान उच्च रहता है, उच्च तापमान के कारण यहाँ निम्न वायुदाब पाया जाता है। क्योंकि तापमान अधिक रहेगा तो गैस है वो गर्म होकर के ऊपर उठ जाएगी तो वायुदाब कम लगेगा। तो यहाँ उच्च तापमान के कारण यहाँ पे निम्न वायुदाब रहता है, और यहाँ पे अत्यधिक आर्द्रता भी रहती है, बारिश भी बहुत ज्यादा होती है। यहाँ पे निम्न वायुदाब रहेगा तो जहां निम्न वायुदाब रहेगा ऑटोमेटिक हवाएं वहां से आएगी, तो वहां आंधी तूफान बारिश अत्यधिक होगी, आर्द्रता पाई जाएगी। वहां पे देखो एक ये जो निम्न वायुदाब है अपना, 0 डिग्री से 5 डिग्री उत्तर और 0 डिग्री से 5 डिग्री दक्षिण, इस क्षेत्र में एक नाम है डोल्ड्रम। ये कई बार पूछा जाता है कि डोल्ड्रम क्या है, क्या डोल्ड्रम की स्थिति क्या है? तो 0 डिग्री से 5 उत्तर और 0 डिग्री से 5 दक्षिणी, इसको 10 तक भी ले सकते हैं, 10 डिग्री तक भी, क्योंकि अलग अलग समय में थोड़ा खिसक के जाते हैं। ये जो पेटी है 5 डिग्री तक खिसक जाती है, इसको अपन 10 डिग्री तक भी ले सकते हैं। यानी 0 से लगा करके 5 डिग्री उत्तरी और 0 से लगा करके 5 डिग्री दक्षिण के बीच
का स्थान है उसको डोलड्रम भी कहा जाता है। डोलड्रम क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पे जो वायु दाब है, हवा है, वो क्षितिज नहीं चलती, ऊर्ध्वाधर चलती है। क्षितिज का मतलब एक इस प्रकार बहना आगे की तरफ, और ऊर्ध्वाधर यानी ऊपर। तो यहाँ पे ये विषुवत रेखीय निम्न वायु दाब में यहाँ पे जो हवाएं हैं, वायु दाब है, वो क्षितिज नहीं है, ऊर्ध्वाधर है। और ऊर्ध्वाधर होने के कारण यहाँ सवनी धाराएं बहती है, सवनी धाराएं यहीं से प्रकट होती है। सवनी धाराओं का जन्म यही होता है। तो सवनी धाराओं का यहाँ पर जन्म यही होता है। ऊर्ध्वाधर यहाँ पे हवाएं चलती है, क्षितिज चलती नहीं, इसलिए इस इलाके को बोलते हैं डोलड्रम। डोलड्रम तो डोलड्रम क्वेश्चन कई बार बड़े बड़े एग्जाम में पूछा जाता है, उसकी स्थिति क्या है या डोलड्रम किसे कहा जाता है। तो आप डोलड्रम की परिभाषा लिख सकते हैं कि ये निम्न विषुवत रेखीय निम्न वायु दाब में जो हवाएं हैं वो क्षितिज नहीं चलती है, ऊर्ध्वाधर चलती है, और यहाँ पर सवनी धाराओं का जन्म होता है। सवनी धारा यहीं से प्रकट होती है, इसलिए इस इलाके को डोलड्रम कहते हैं। शांत इलाका भी कह सकते हैं, शांत क्षेत्र, शांत विषुवत। तो ये है विषुवत रेखीय निम्न वायु दाब। उसके बाद देखो जस्ट ऊपर की तरफ में 30 डिग्री से लगा करके 35 डिग्री यहां पे, ये 30 डिग्री और 35 डिग्री, यहां भी 30 डिग्री और 35 डिग्री, यानी उत्तरी गोलार्ध में भी 30 डिग्री 35 डिग्री और दक्षिणी गोलार्ध में भी 30 डिग्री से 35 डिग्री के बीच जो स्थान है वो कहलाता है उपोषण उच्च वायु दाब। देखो यहां पे तो था निम्न वायु दाब और यहां है उच्च वायु दाब। तो यहाँ पे उच्च वायु दाब पाया जाता है, यानी मौसम साफ रहता है, आसमान साफ रहते हैं, गर्मी थोड़ी कम है, यानी यहाँ पे उच्च दाब में उच्च तापमान नहीं रहता है, थोड़े तापमान में कमी रहती है, इस कारण उच्च वायु दाब पाया जाता है। मौसम साफ रहता है, हवाएं चलती है, इसलिए निम्न वायु दाब यहाँ नहीं बन पाता है। यहाँ पे देखो यहाँ उपोषण उच्च वायु दाब ये दोनों तरफ इनसे कुछ रेखाएं चलती है, इनसे कुछ हवाएं चलती है, इन हवाओं का नाम है व्यापारिक पवन है। ये दोनों तरफ से व्यापारिक पवन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये व्यापारिक पवन है। व्यापारिक पवनों की दिशा क्या रहती है कि यहाँ पे जो 30 डिग्री 30 से 35 डिग्री ये जो उपोषण उच्च वायु दाब है, इधर से ये हवाएं वापस विषुवत रेखा की तरफ आती है, ये विषुवत रेखा की तरफ, ये विषुवत रेखा है 0 डिग्री पे, तो उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की तरफ इधर से हवा आती है, ऊपर से नीचे की तरफ, निम्न वायु दाब की तरफ, और उत्तरी गोलार्ध से भी हवाएं आती है इधर, ये उत्तरी गोलार्ध से हवाएं आ रही है। ये दोनों तरफ से जो हवाएं आ रही है, इन दोनों तरफ से जो हवाएं आ रही है, इनका नाम है व्यापारिक पौने, इनका नाम है व्यापारिक पौने। अब इनको व्यापारिक पौने क्यों कहते हैं? क्योंकि उपनिवेशन काल में या अपन कह सकते हैं प्राचीन काल में जो ये यूरोप के व्यापारी थे, ये दूसरे देशों में जाते थे, तो इनको इन व्यापारिक पवन से बहुत लाभ होता था। ये अपने जो नौकाएं हैं, अपने जालयान हैं, उनके ऊपर वो कुछ बांध करके, कुछ लगा करके फिर ये निकलते थे, तो इन पवनों की जिस तरफ दिशा होती है उस तरफ ये व्यापार करने के लिए निकलते थे, तो इनका जहाज आसानी होती थी जहाज को जाने में, यानी ये हवाओं के विपरीत दिशा में नहीं जाते थे, इन व्यापारिक पवनों की दिशा में जाते थे, इसलिए इनका नाम पड़ गया व्यापारिक पवन। अब व्यापारी पवन में एक इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये जो उत्तरी गोलार्ध है और ये दक्षिणी गोलार्ध है, इनमें इन व्यापारी पवनों की जो दिशाएं हैं वो चेंजिंग हो जाती है। यही क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, रीट में पूछा जाता है, पुलिस में पूछा जाता है, आरएएस और आईएएस एग्जाम में भी पूछा जाता है। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से सुनना। क्या है क्वेश्चन? इन व्यापारिक पवनों की दिशा क्या होती है, उत्तरी गोलार्ध में दिशा क्या है और दक्षिणी गोलार्ध में दिशा क्या रहती है। इस टाइप के क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्यापारिक पवनों की उत्तरी गोलार्ध में दिशा क्या होती है, व्यापारी पवनों की दक्षिणी गोलार्ध में दिशा क्या होती। अब देखो ये जो हवाएं हैं, ये हवाएं चेंजिंग हो जाती है, चेंजिंग यानी यहां से चल रही है, फिर इधर जो ही भूमध्य रेखा विषुवत रेखा के पास आती है अपनी थोड़ी दिशा मुड़ जाती। तो कैसे मुड़ रही? देखो यहां से ये हवा आ रही है और इस तरफ मुड़ रही, ये तो उत्तरी गोलार्ध में ये मुड़ती है दाई तरफ और यहां पे दक्षिणी गोलार्ध में इनकी दिशा क्या है? बाई तरफ। यही याद रखना, बाई तरफ। यहां पे हवाएं आते आते ऐसे मेरे बाई हाथ की तरफ मुड़ गई, इधर आदमी खड़ा है और यहां से इधर आते हुए इधर मुड़ जाएगा तो उसका बाया हाथ है, इधर आदमी खड़ा है और यहां से इधर यूं आ रहा है तो इधर आया तो उसके राइट हैंड की तरफ मुड़ा। तो यानी उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवनों की दिशा दाई तरफ, राइट हैंड की तरफ, दाई तरफ मुड़ जाती है, और दक्षिणी गोलार्ध में व्यापारिक पवनों की दिशा बाई तरफ मुड़ जाती।
ये क्वेश्चन याद रखना, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, पुलिस में भी पूछा जाता है, रीट में, आरएस में, बड़े बड़े पुलिस में, इसमें रेलवे में, कई एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये क्वेश्चन आप याद रखना कि दक्षिणी गोलार्ध में व्यापारी पवनों की दिशा है वो रहती है बाई तरफ, और उत्तरी गोलार्ध में व्यापारी पवनों की दिशा है वो रहती है दाई तरफ, यानी राइट। इधर नीचे की तरफ में लेफ्ट साइड और ऊपर की तरफ में राइट साइड। तो ये है व्यापारी पवन। फिर देखो व्यापारी पवनों के बाद यहाँ पे जो अपने उपोष्ण उष्ण वायु दाब पड़ा, इसके ऊपर ये है उपद्रवीय निम्न वायु दाब। अब देखो यहाँ तापमान कम है, तापमान कम है तो निम्न वायु दाब कैसे हो गया? भाई जहां पे तापमान अधिक रहता वहां तो निम्न तापमान, जहां पे तापमान अधिक रहता वहां निम्न वायु दाब रहता, लेकिन तापमान कम है फिर भी यहाँ पे उपद्रवीय निम्न वायु दाब क्यों है? क्योंकि यहाँ पे कुछ गर्म धाराएं आती और गर्म धाराओं के कारण यहाँ पे कुछ इस इलाके में 60 डिग्री से 65 डिग्री के बीच का जो इलाका है वो निम्न वायु दाब कहलाता है, उपद्रवीय निम्न वायु दाब। दोनों तरफ से यानी 60 डिग्री से 65 डिग्री के बीच में ये उपद्रवीय निम्न वायु दाब है, और फिर ऊपर की तरफ में ध्रुवीय पवन है, ध्रुवीय पवन है, और ध्रुवीय पवन हमेशा उच्च दाब रहता है। उच्च दाब क्यों रहती है? क्योंकि यहाँ बर्फ जमी रहती है, ध्रुवों पे हमेशा बर्फ जमी रहती है। यहाँ पे ये उत्तरी ध्रुव है और ये दक्षिणी ध्रुव है, तो यहाँ बर्फ जमी रहेगी तो हवाएं भी बर्फीली रहेगी, ठंडी हवाएं चलती है, तो ठंडी हवाओं के कारण ये धरातल को भी ठंडी करती चली जाती है, तो यहाँ वायुदाब उच्च रहता है, यानी ये जो ध्रुवीय पवन है ये उच्च वायुदाब रहता है। अब देखो ये व्यापारी पवनों के बारे में पढ़ लिया, लेकिन यहाँ थोड़ा एक पशु पवनों के बारे में भी अपने को पढ़ना है। ये पशु पवन है, ये पशु पवन क्या है? ये जो पशु पवन है ये उपोषण उच्च वायुदाब से ध्रुवों की ओर चलती है। व्यापारी पवन कहाँ चलती है? व्यापारी पवन तो उपोषण वायुदाब से विषुवत रेखा की ओर चलती है, और पशुपवने कहाँ चल रही है? उपोषण उच्च वायुदाब से ध्रुवों की तरफ। दोनों की दिशा देखो, ये तो चलती है ध्रुवों की तरफ ये दोनों, और ये व्यापारी पवन चलती है विषुवत रेखा की तरफ, दोनों की उल्टी दिशा है, ये जा रही इधर और ये जा रही इधर ध्रुवों की तरफ। तो यहाँ पे उपोषण उच्च वायुदाब जो क्षेत्र है उससे ध्रुवीय क्षेत्रों की ओर जो चलने वाली रेखा है उनको कहते हैं पशुपवने। पश्चिम पवन क्यों कहते हैं? क्योंकि पश्चिम दक्षिण से उत्तर पूर्व की ओर चलती, यानी पश्चिम दिशा से पूर्व दिशा की ओर चल रही है, इसलिए इसका नाम पश्चिम पवन है। तो यहाँ पे दक्षिणी पश्चिम से उत्तरी पूर्व की ओर चल रही है, इसलिए इनको बोलते हैं पश्चिम पवन। ये पश्चिम पवन देखो यहाँ ये है, ये 30 डिग्री से लगा करके 60 डिग्री के बीच ये जो मैंने दिखा है ये पूरे पश्चिम पवन है ये, और यहाँ भी ये पश्चिम पवन है, ये उत्तरी गोलार्ध में है, ये दक्षिणी गोलार्ध में। अब दक्षिणी गोलार्ध में जो पशु पवन है थोड़ी तेज चलती, दक्षिणी गोलार्ध में, ये दक्षिणी गोलार्ध में पशु पवन तेज चलती है, इसलिए इनको गरजता सालिशा भी कहते हैं। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि गरजता सालिशा क्या है, बड़े बड़े एग्जाम में भी पूछा जाता है ये कि गरजता सालिशा, गरजता सालिशा ये है, दक्षिणी गोलार्ध में पशु पवन थोड़ी तेज गति से चलती है, इसलिए इनको गरजता सालिशा भी कहा जाता है। तो ये पशु पवन और एक है व्यापारिक पवन, ये दोनों इंपोर्टेंट है, या फिर इन दोनों का अंतर पूछा जाए कि पशु पवन और व्यापारिक पवनों का अंतर क्या है? तो अंतर देखो, पहला अंतर तो यही हो गया कि व्यापारिक पवन है उनकी दिशा रहती है वो विषुवत रेखा की ओर है, ये विषुवत रेखा है यहाँ पे बीच से, ये तो ये उपोषण उच्च वायुदाब से विषुवत रेखा की ओर चलती है, और ये उपोषण उच्च वायुदाब से ध्रुवों की ओर चलती है, ध्रुवों की ओर, इनकी दक्षिणी पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर इनकी दिशा रहती है। और इनकी देखो इनकी दिशा क्या रहती है, मैंने फिर बता रहा हूं इनकी, इसकी व्यापारिक पवन, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। उत्तरी गोलार्ध में इनकी जो दिशा है पौने चलती चलती बाई तरफ मुड़ जाती है, और दक्षिणी गोलार्ध में व्यापारिक पवन चलती चलती बाई तरफ यानी लेफ्ट साइड में मुड़ जाती है। तो ये है अपने ध्रुवीय वायुदाब पेटियां। अब यहाँ पे देखो एक बार नाम और पढ़ लेते हैं इनके, कौन कौन सी है। एक है विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब, पहली ये एक नंबर। दो नंबर कौन सी है? उपोषण उच्च वायुदाब, ये दो नंबर, दोनों तरफ, ये उत्तरी गोलार्ध में, ये दक्षिण गोलार्ध में। तीन नंबर में कौन सी है? उपध्रुवीय निम्न वायुदाब। और चार नंबर में ये ध्रुवीय धुरी पवन कह सकते हैं, धुरी वायुदाब कह सकते हैं, धुरी इलाका कह सकते हैं। तो ये चार ध्रुवीय उच्च दाब, ध्रुवीय उच्च दाब
पेटी, दूरवी उच्च दाब पेटी, ये चार पेटियां। इन चार पेटियों का आप नाम याद रखेंगे और अगला जो है वो अगले पीरियड अगले अपने क्लास लेंगे उसमें पढ़ेंगे। अभी ये इतना ही, धन्यवाद।